नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल संदीप स्टडी ऑनलाइन क्लासेस में। मैं आपके लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरी लेकर आया हूं। आपको पता है कि MBPSC ने एक नया नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके माध्यम से आपको MBPSC प्रारंभिक परीक्षा की डेट और पूरा उसका शेड्यूल डल चुका है। MBPSC ने 25 जुलाई के बाद में एक नया नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसमें MBPSC 2022 की प्रारंभिक परीक्षा की डेट, उसकी मेंस की परीक्षा की डेट, इंटरव्यू की और फाइनल रिजल्ट तक का उसने कैलेंडर जारी किया है। इसके साथ ही उसने MBPSC 2019 का जो पेपर हुआ था, जिसके प्रीलिम्स हो चुका था, मेंस हो चुका था, पर उसका रिजल्ट रह गया था, तो वो भी 2022 तक उसने टेंटेटिव डाला है। MBPSC 2020 का जो 25 जुलाई को जो पेपर 2021 में हुआ था, उसका भी उसने दिसंबर में रिजल्ट डिक्लेयर किया है। पर इसके साथ ही उसने एक नई टिप की है कि जो भी सुप्रीम कोर्ट या जो भी अपना माननीय हाई कोर्ट उसको डिक्लेयर करेगा OBC रिजर्वेशन के बाद में, तभी सब कुछ क्लियर हो पाएगा। दोस्तों, आपको मैं बताना चाहता हूँ कि MBPSC जिन्होंने नए विद्यार्थी हैं, उनके लिए तो बहुत अच्छी खबर है कि उनके पास पर्याप्त समय है। दिसंबर पूरा बचा हुआ है, जनवरी, फरवरी, मार्च और अपन 25 अप्रैल जो अपना रह गया है, 25 अप्रैल तक अपने पास बहुत सारा समय है, तो उसे हम रिवीजन करके बहुत अच्छी तैयारी करके उसकी तैयारी कर सकते हैं। और पुराने विद्यार्थियों के लिए तो ये बहुत ही अच्छी खबर है कि वो ये कर सकते हैं कि जिन्होंने 25 जुलाई को जो पेपर दिया था, उसमें उनको अब सिर्फ रिवीजन करना रह गया है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि समय का सदुपयोग करें और बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं। MBPSC ने 2020 में एक नया सिलेबस जारी किया है, जिसमें उसने 10 यूनिट पूरे सिलेबस पहला पेपर को उसने 10 यूनिट में डिवाइड कर दिया है, जिसकी पहली यूनिट, थर्ड यूनिट और फिफ्थ यूनिट MP से रिलेटेड है, और सेकेंड, फोर्थ और फिफ्थ जो है वो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमी से है। इसी तरह हम देख सकते हैं कि सेवन्थ यूनिट जो है वो साइंस से है, एट यूनिट जो है करेंट और स्पोर्ट्स से है, नाइन यूनिट जो है वो कंप्यूटर और साइंस एंड टैक्स से है, और टेन यूनिट जो है पॉलिटी का ही सेक्शन है। पर इसमें उन्होंने ये क्या कर दिया है कि जो विभिन्न आयोग हैं, जैसे ST SC आयोग है, CAG है, GA, मतलब कि राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण है, इस टाइप के आयोग उसने जोड़ दिया है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 25 जुलाई के पेपर में सभी लोगों के मन में ये संशय डिलेमा थी कि पेपर 2022 का कब होगा, उसका रिजल्ट कब आएगा। पर उससे हम ये देख सकते हैं कि अब जो है, मतलब MBPSC का पेपर पहले पैटर्न पे नहीं है, ये UPSC के पैटर्न पे, RPSC के पैटर्न पे जा रहा है। हम देख सकते हैं कि पहले एक वन लाइन कोटेशन पे क्वेश्चन आते थे, पर अभी आप प्रीवियस ईयर के पेपर देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि प्रारंभिक परीक्षा जो है अब स्टेटमेंट बेस पर पूरे निर्धारित हो चुकी है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि MBPSC ने अपना सिलेबस के साथ साथ प्रश्नों की प्रवृत्ति भी चेंज कर दी है। इसके साथ ही मैं बताना चाहता हूँ कि आने वाले वीडियो में मैं आपकी तैयारी MBPSC के सिलेबस के अकॉर्डिंग कराऊंगा और रिवीजन मोड पे कराऊंगा। MBPSC के न्यू एस्पिरेंट्स और पुराने एस्पिरेंट्स के लिए मेरा यह सजेशन रहेगा कि आप सिलेबस को पॉइंट टू पॉइंट, वर्ड टू वर्ड करके पढ़ेंगे तो आपकी सक्सेस हमेशा होगी। आपको मैं एडवाइस करना चाहता हूँ कि आप MBPSC की MP के लिए कोई एक बेस्ट बुक का सिलेक्शन करें। आप एक साथ 4-6 बुक को लेकर ना पढ़ें, कोई एक बुक को ही उसको रेफरेंस बुक बनाएं और उसके बाद उसका ऑब्जेक्टिव की तैयारी करें। ऐसे ही अपने हिस्ट्री के लिए, ज्योग्राफी के लिए, पॉलिटी के लिए आप अभी तक अपन लूसेंट से काम चला लेते थे, पर उसका एक एडवांस वर्जन आपको थोड़ी रेफरेंस बुक, NCERT या फिर किसी राइटर की बुक से भी सहारा लेना पड़ सकता है, क्योंकि अभी जो पेपर आ रहे थे उसमें प्रश्नों की प्रवृत्ति बदलते जा रही है। यूनिट 9 के लिए आप कोई एक बुक, चाहे किसी की भी हो सकती है, वो किसी भी एडिशन की हो सकती है, किसी भी राइटर की हो सकती है, किसी एक ही बुक से करें। यूट्यूब में भी बहुत सारे लेक्चर दिए हुए हैं। यूनिट 10 के लिए जो ST SC आयोग और जो ये सब चीज जो है, वो आप या तो लक्ष्मीकांत की बुक से कर सकते हैं या फिर कोई एक रेफरेंस की बुक से आप उसको पढ़ सकते हैं।
आपको ये पता रहना चाहिए कि 7, 9 और 10 और स्पोर्ट करेंट वाला जो है आपका पोर्शन बहुत अच्छे से तैयार होना चाहिए। जब तक ये तैयार नहीं होगा तब तक आपका सिलेक्शन की संभावना कम रहती है। इसके साथ ही मैं कहना चाहता हूँ कि सबसे ज्यादा आपको एमपी का वेटेज रखना है, क्योंकि एमपी से रिलेटेड फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ और ऐसी 4 यूनिट लगभग एमपी से पूरी पूरी आती है। तो अगर आप जैसे 10 यूनिट को 10-10 क्वेश्चन या 10-10 नंबरों से आप डिवाइड करेंगे तो एमपी का वेटेज मतलब 30-40 क्वेश्चन और अंक तक मतलब कि 40 क्वेश्चन तक जाता है। इसलिए आपको एमपी का वेटेज बहुत अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। आपको एमपी बहुत अच्छे से तैयार करना है। अब आने वाली वीडियो में मैं आपको किस सब्जेक्ट के लिए कौन सी बुक और किससे अच्छा पढ़ना चाहिए और कैसे पढ़ना चाहिए मैं आपको बताऊंगा। इतने दिनों से मेरा चैनल फ्रीज पड़ा हुआ था क्योंकि मैं इसे बनाने वीडियो बनाने से रिलेटेड कोई ध्यान नहीं दे पा रहा था। पर दोस्तों मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अब मैं MBBPSC की तैयारी बहुत अच्छे से आपके साथ लगन और मेहनत से करूंगा और आने वाले समय में आपको MBBPSC सिलेबस से रिलेटेड पूरी जानकारी दूंगा। दोस्तों आप सभी को अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और बहुत अच्छे इसमें जानकारी मिलती है तो आप दूसरे को भी बताएं और इसको सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों।